कल रात से जो हवा का प्रभाव था 100 किलोमीटर पर आवर ये दीघा समुद्र सैकत में, और आज सुबह एक बार दिखाना चाहते हैं, आज सुबह जो है ये जो सी बीच है पूरा जो पर्यटक जो था वो पर्यटक में भर गया है। और जो प्रशासन की तरफ से जो बार बार माइकिंग कर रहा था कि जाना मना है, इधर मत जाइए उधर जाइए, हाँ तो अभी वो नहीं है क्योंकि जो रेड अलर्ट सतर्कता जो था वो अभी हटा दिया गया है क्योंकि लैंडफॉल हो चुका है। ये जो घूर्णी झड़ जो आया था उसका लैंडफॉल हो गया है। और मैं अभी और एक बात दिखाना चाहता हूँ, समंदर का लहर भी जो है वो भी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि कल हम लोग जब देखे थे तो ये जो लहर थे एकदम आके ये रास्ता में गिर रहा था। तो कितना भयानक था हम कल दिखाए थे। तो आज संपूर्ण रूप से वेदर भी थोड़ा ठीक ठाक है, मगर जहाँ पर ये लैंडफॉल हुआ है ये है साउथ 24 परगना और बांग्लादेश का पास में, तो वहाँ पर बहुत सा क्षति हुआ है, बहुत चीज़ का नुकसान हुआ है, मगर अभी उसका पूरा जानकारी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत सा जगह में पेड़ गिर गया रास्ता में। तो पहले वो पेड़ कटिंग करके रास्ता क्लियर करके जो गवर्नमेंट का अधिकारी और जो NDRF का टीम वहाँ पर पहुँचेंगे तभी उन लोगों का एकदम मालूम पड़ेगा कि कहाँ से क्या क्या क्षति हुआ है। और दूसरी बात जो है, जो साउथ 24 परगना जिला है वहाँ से 124,000 आदमी को, जहाँ जो लोग एकदम साइड में था, जो एकदम घर जिसका एकदम नज़दीक में था जहाँ पर ये तूफान गया है, उसको वहाँ से निकल के जहाँ रेस्क्यू कैंप है वहाँ पर लेके गया है। और कलकत्ता में अभी भी बारिश हो रहा है और सागर में बारिश का कारण अभी भी चल रहा है और हवा भी 70 से 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और कलकत्ता का आसपास जितना जिला है, हावड़ा परगनास, उसमें बहुत सा क्षति हुआ है, वो गाछ निकल के रास्ता पे आ गया है, मगर अभी किसी का डेथ होने का खबर नहीं है। सिर्फ एक आदमी कल रात को कलकत्ता में जब वो निकल के घर से बाहर आ था तो ऊपर से किसी का घर का एक छत का जो एक टुकड़ा गिर के उसका डेथ हो गया था। तो अभी कुछ देर बाद भी पता चलेगा कि यहाँ पर कितना इसका क्षति हुआ है। और 135 किलोमीटर वेग में जब लैंडफॉल हुआ था तब बहुत सा जगह में ये प्रॉब्लम हुआ था। दीघा से वाजिद के साथ पार्थो पाल।